हेलो एवरीबॉडी, एग्ज़ाम्स फिट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज से हम अपना पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसने बनाया, कहाँ से मिला, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इससे पहले शुरू करूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो रिटेन संविधान था वो यूएसए का था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और उसके बाद जब हम अपने भारत के संविधान पे आते हैं, तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो B.R. अम्बेडकर हैं, पर जिन्होंने लिखा था वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल। ठीक है, जैसे कि वो पहले कितने थे, अब कितने हैं। तो फिर अब हम शुरू करते हैं कि हमारे पूरे संविधान का कौन सा हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो पहला स्टेप था, उन्होंने क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कंट्रोल और रेगुलेशन उन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, इस एक्ट को हम लोग लॉर्ड नॉर्थ एक्ट भी बोलते हैं। ठीक, और इसके थ्रू क्या हुआ था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स जब आए थे, जब वो रूल करने लगे थे, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया जो था वो दो पार्ट में हो गया था, कि एक जो ब्रिटिश प्रोविंशेस थे जिन पे ब्रिटिशर्स का रूल चलता था, और एक हमारे इंडियन प्रोविंसेस थे जो कुछ किंग्स या मुगल एम्परर्स थे उनके द्वारा चलता था। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो कंपनी थी उन्होंने, जो भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनको घूस यानी ब्राइब्स लेने के लिए मना हो गया था, और कोई भी प्राइवेट ट्रेड करना अलाउड नहीं था। इसके बाद फिर क्या हुआ था कि इसकी वजह से जो गवर्नर जनरल थे हमारे ये बॉम्बे के, और मतलब जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में सबॉर्डिनेट कर दिया गया था। और इसी एक्ट से सबसे पहले हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट आया था कैलकटा में इन 1774। ठीक है, तो जब 1774 में हमारा सुप्रीम कोर्ट आया था, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस जो थे वो थे अलीजा इम्पे, और अदर जजेस जो थे वो थे चैम्बर्स, लेमिंस्टर और हाइड। ओके, तो जो अब हमारे पास सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है, वो थे हीरा लाल जे कानिया, और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो थी वो थी फातिमा बीबी। ये सारे जो हैं ये हमारे करेंट डेटा में पूछे जाते हैं, पर हम उसे साथ साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्ट की, तो वो था हमारा पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो जो हमारा पीट्स इंडिया एक्ट था उसके थ्रू क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी को अलग अलग कर दिया था, कि जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कोई और हैंडल करेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कोई और हैंडल करेगा। तो जो हमारे पास जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उसके लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, तो इसके बाद फिर क्या हुआ था कि इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट यहीं पे बताना चाहूँगी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू कैंसिल कर दिए गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू कैंसिल हो गए थे। फिर उसके बाद फिर जब हम बात करेंगे कंपनी टेरिटरीज़ की, तो उनको ब्रिटिश इंडिया का नाम दे दिया गया था, ये कैंसिल हुए थे 1858 से। फिर गवर्नमेंट काउंसिल जो थे वो बॉम्बे और मद्रास में इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। ठीक है, तो फिर जब हम नेक्स्ट आएंगे तो हम आएंगे इस पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। तो जो नेक्स्ट एक्ट था वो ये था, तो इससे क्या हुआ था कि जो कंपनी की जो बची हुई ट्रेड मोनोपोली थी वो भी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, जो ट्रेड विथ इंडिया था उसको सारे ब्रिटिशर्स के लिए कर दिया गया था। तो हम यहाँ पे जो कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी थी, ईस्ट इंडिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी।
उसके बाद फिर जो ट्रेड पेपर्स थे कंपनी के उसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिए गए थे। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो अपना रिलीजन जो है वो यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट थे वो थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे क्या हुआ था कि जो कंपनी के ट्रेड लाइसेंस थे वो कम्प्लीटली बैन हो गए थे। गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो जो लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर जितने भी पावर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इन सबको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में दे दिया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर। इसी एक्ट के अंदर हमारे पास जो स्लेवरी सिस्टम थी यानी जो दास प्रथा थी इंडिया की वो एबॉलिस्ट हो गई थी, ठीक है। फिर हमारा ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है नेक्स्ट, ये जो है ये लास्ट चार्टर एक्ट है, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इससे हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कुछ पावर्स को रिन्यू किया गया था, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के उनको सेपरेट कर दिया गया था। और यहीं से हमारा जो सिविल सर्विसेज जो जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत सारे पेपर में आ सकता है कि सिविल सर्विसेज जो है वो किस एक्ट से सिविल सर्विसेज को लाने की बात की गई थी कि उससे सब आ सकते हैं, तो वो हुआ था 1853 के एक्ट से। फिर जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो पावर ऑफ जो ब्रिटिश क्राउन था वो जो है वो मतलब कि ईच जो स्टेट थे तो उनके जो सेक्रेटरी थे उनके अकॉर्डिंग होगा। और जो सेक्रेटरी थे ये क्या बोलते हैं कि उसमें 15 मेंबर्स होंगे। तो ये जो 15 मेंबर्स थे इस टाइम पे कोई भी इंडियन नहीं थे, ठीक है, ये सारे ब्रिटिशर्स थे। और उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया था कि इंडियन कॉइन बनाना शुरू कर दिए थे ब्रिटिश किंग्स के पोर्ट्रेट के साथ। इसको हम गुड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट भी कहते हैं, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज टू वाइस रॉय। ये इस टाइम पे क्यों हुआ था तो मैं एक बार आपको हिस्ट्री में जाके बताना चाहूँगी कि जो 1858 था इससे पहले हुई थी 1857 की क्रांति यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसकी वजह से इंडिया में बहुत जगह मूवमेंट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे। तो इस वजह से फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वाइस रॉय बना दिया गया था। तो फर्स्ट वाइस रॉय जो बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट जो वाइस रॉय बने थे वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। इन सब के बाद फिर आया था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि पहली बार, मैंने आपको बताया ना कि इसके प्रीवियस में हुआ था जैसे कि जो बने थे हमारे जो सेक्रेटरी विथ 15 मेंबर्स, तो इसमें हमारे इंडियन नहीं थे। पर जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया था तो रिवॉल्ट और मूवमेंट की वजह से इंडियंस को इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है, पर वो नॉन ऑफिशियल थे। फिर थ्री इंडियंस जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर हुए थे, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया पावर जो था वो गवर्नर जनरल को दिया गया था टू पास ऑडियंस, ठीक है। तो अभी भी हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंस ऑडियंस होता है वो हमारे आर्टिकल 123 के अंदर में आता है, और गवर्नर्स ऑडियंस आर्टिकल 213 के अंदर पे। ये मैं आपको बीच में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिवाइज करते जाएं। फिर नेक्स्ट आया था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, काउंसिल जो थे उनके पास पावर था टू बजट डिस्कस करने के लिए और एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट आया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909। तो ये जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट था तो इसमें मॉडले और मिंटो जो थे उसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि जो मॉडले थे वो इंडियन सेक्रेटरी थे और जो मिंटो थे वो इंडियन वाइसरॉय थे, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी। उसके बाद फिर ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नेम था वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया था, ठीक है। तो जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो 60 हो गए थे 16 से, जैसे पहले 16 थे ना, एक जो था वो हेड होता था और 15 उसके वो होते थे मेंबर्स,
और उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंडियन जो थे ये क्या बोलते हैं कि वो इंट्रोड्यूस किए जाने लगे थे, जो फर्स्ट थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उसके बाद फिर इसी में हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव था वो इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो होगा मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड एक्ट। तो इससे फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है, वो द्विसदनीय जो हमारा संविधान रहता है, जैसे इंडिया में अभी हमारे पास 7 स्टेट्स में है बाइकैमरल लेजिस्लेटर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दो होते हैं, जिनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। तो 140 मेंबर्स जो थे वो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में थे और 60 थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो डायरेक्ट इलेक्शंस आ गए थे, मतलब कि कोई थ्रू का नहीं होता था प्रोसेस कि पहले आप किसी को इलेक्ट करेंगे फिर वो सारे लोग मिलकर इलेक्ट करेंगे, सीधे आप अपना वाइसरॉय ये कर सकते थे। फिर डायरार्की सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में। फिर आया था नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था हमारा, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली भी गई हैं, तो इसीलिए इनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इससे क्या हुआ था कि डायरार्की सिस्टम जो था वो कैंसिल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखें कि डायरार्की सिस्टम कहाँ से आया था, कहाँ कैंसिल हुआ, या फिर किस गवर्नर ने कौन सा लॉन्च किया था। ठीक है, फिर फेडरल कोर्ट जो था वो बन गया था। फिर कैग आ गया था, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हुआ था वो म्यांमार इसी एक्ट के ये अंतर्गत सेपरेट हुआ था। फिर बाइकैमरलिज्म जो थे वो 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुए थे 18 में से। सेंटर और स्टेट के पावर डिफरेंस हो गए थे और नया चार्टर बना था स्लेवरी का। तो इनमें से जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किए गए हैं और जो नेगेटिव थे वो नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसी एक्ट के अंदर वो भी सारी चीज़ें आई थी जो पावर्स थे, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, वो वाली चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी जो डिस्क्राइब किया गया था, ये पॉइंट जो है ये जवाहरलाल नेहरू के थ्रू दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये लास्ट एक्ट था जिससे हमारा देश जो है वो आज़ाद हो चुका था, जो कि इंडिपेंडेंट और सोवर्जियन स्टेट था। और इसके बाद ही हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल गई थी बोथ स्टेट और प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा है वो कैसे बनी, उसकी कमेटी मेंबर्स कौन कौन से थे। तो जैसे कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो अगर आपको इसकी ऑब्जेक्टिव वो चाहिए वर्कशीट, तो आप नीचे एक नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 10 रुपये की वर्कशीट है पर वो बहुत हेल्पफुल है, उससे बाहर फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपको पोस्टल कॉपीज भी चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी प्रिंटेड बाय पोस्ट, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा कि हाँ आपने एक बार पढ़ लिया अब आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, थैंक यू।